दिन का हुआ मामला, कैसे क्या है? 4 तारीख को 8:30 बजे मैं अपने बाथरूम के लिए गई थी। वहाँ से जहाज वहाँ से आए थे, वहाँ से मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके गए। अच्छा, कहाँ पकड़ के ले गए? धान के खेत में। अच्छा, फिर वहाँ अब्दुल और भाई और सफीकू और एक का नाम नहीं जानती हूँ, वो चारों वहाँ मौजूद थे। ये दोनों मुझे पकड़ के लेके गए, फिर मेरा कपड़ा वपड़ा इधर उधर कर दिया, फिर मेरे मुंह में दस्ती भर दी, मेरे दुपट्टे से मेरा आँख बांध दिया। ये 6 मिलकर लगातार मेरे साथ गलत काम किए। जब मैं वहां से भागने लगी मुझे जाने दो, तो फिर वीडियो भाई ने बनाया वीडियो, और कहते थे कि अगर ये वीडियो मैं बनाया हूँ, अगर कहीं तुम किसी से बताई अपनी मम्मी या पापा या किसी से, तो ये वीडियो मैं सबके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। इसलिए डर के मारे मैं किसी को नहीं बताती थी। फिर कब बताई? 11 तारीख को मेरी बुआ का फोन आया था, उनके व्हाट्सएप पर ये गया था। अच्छा, वही लोग भेज दिए थे क्या? हाँ, तो मेरी बुआ मुझे पहचान गई, तब मेरी मम्मी के पास फोन लगाई तो बताने लगी। तो डर के कारण तुम नहीं बताई थी घर? हाँ, डर के मारे में नहीं बताई थी। क्या वो कहे थे? वो लोग कहे थे तुम स्कूल जाती हो पैदल, वहाँ से हम तुम्हें बैठा लेंगे, फिर तुम्हें जान से मरवा देंगे, इसलिए मैं नहीं बताई थी। मतलब रेप किया और उसके बाद में जान से मारने की धमकी दी, उसके लिए मेरे वीडियो बनाए। वीडियो भी बनाए? हाँ। क्या चाहती हो? फांसी। कितने लोग थे कुल? 6 लोग थे। चाहे थे भैया कि मेरे लड़की सहरी गलत काम की ही नहीं तो उन्हें फांसी सजा चाहिए। कई लोग थे? कई लोग रहे? 6 जने। 6 जने रहे, 6 जने का फांसी चाहिए। हाँ, कि जैसे हमारे बेटे